हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं इथन। स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मान लीजिए किसी भी होटल में आप रुके हुए हैं, या वो ओयो हो या गोवा बीबो हो, ठीक है, ऐसे केस में अगर आप होटल में रुके हुए हैं, आपके गेट के बाहर नोक नोक की आवाज आए और आपको दिखाई दे कि पुलिस आपके सामने खड़ी है, ऐसे केस में आपके वो कौन कौन से लीगल राइट्स हैं जो आप दिखा के पुलिस से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जैसे ही पहले होटल बुक करेंगे तो आपको मैं हमेशा से एक बात बता दूं कि पुलिस हमेशा कम रेटिंग वाले होटल में रेड मारती है या वो वहाँ पे पूछताछ के लिए जाती है। आप जब भी होटल रूम बुक करें, आपको होटल की रेटिंग चेक करनी है। 4 पॉइंट से ऊपर की उसकी रेटिंग होनी चाहिए और 3 स्टार से ऊपर का उसका वो होना चाहिए, स्टार बेस्ट, ठीक है। ये तो हो गया एक बिल्कुल कंप्लीट जो चीज जेन्युइन होनी चाहिए, वो चीज मैंने आपको बता दी। आप इससे ऊपर के ही जरूर बुक करें, इससे नीचे के बिल्कुल भी ना करें अगर आप मुसीबत में जरा भी नहीं पड़ना चाहते, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज ये हो गई कि गाइस, जो होटल है वो बिल्कुल भी सुनसान जगह पे ना हो, वो एकदम सिटी में या किसी मार्केट वगैरह में, किसी पैलेस में, ठीक है, होना चाहिए वो होटल। बिल्कुल भी ऐसी सुनसान जगह पे ना हो। अगर आप मान लीजिए आप किसी सुनसान जगह पे बुक कर रहे हैं, उसकी रेटिंग भी एकदम खराब है, सिर्फ चंद पैसों के लिए आप 200 300 400 500 बचाने के चक्कर में आप ऐसी जगह पे बुक कर रहे हैं, तो आपको परेशानी हो सकती है वाली। अगर आप पार्टनर को लेकर होटल में रुकना चाहते हैं तो 300 400 का मुंह मत देखा कीजिए। 300 400 के चक्कर में आपकी इज्जत बहुत ज्यादा खतरे में आ सकती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये हो गया, आपको रेटिंग जो है 3 स्टार से ऊपर की करनी है। आपको जो स्टार बेस है वो 3 स्टार से ऊपर का बुक करना है, और आपको जो रेटिंग है वो 4 पॉइंट से ऊपर की बुक करनी है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो निकल के आता है वो ये आता है कि जब भी आप होटल में जाते हैं एंटर करने के लिए, ठीक है, रिसेप्शन पे आप जैसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे पेश हूँ, ठीक है। कई लोग करते हैं कि कहीं ऐसा, कई लोगों के माइंड में, कपल्स के माइंड में या किसी लड़के के माइंड में, लड़की के माइंड में कहीं ना कहीं ये बात भी रहती है कि अगर हम इन्हें ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, ठीक है, तो वो कहीं हमारे जाने के बाद भी हमारे डॉक्यूमेंट्स का इलीगल इस्तेमाल ना करें, ठीक है, हमें कहीं ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करें। कई लोगों के दिमाग में ये बात रहती है, लेकिन मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप मेरी ओयो की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, वो आपकी आईडी क्यों लेते हैं, आप वीडियो जाके चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो आईडी अगर आप फेक, मान लीजिए आप ये सोचकर अगर आप फेक आईडी वहां पर प्रोवाइड करवाते हैं अपनी, तो इस केस में भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आप हमेशा अपनी ओरिजिनल आईडी ही वहां पे दें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि वो आपके फिंगरप्रिंट वाले, आप सोच सकते हैं कि आधार कार्ड जो है वो फिंगरप्रिंट से भी हमारे अटैच हो चुका है, ठीक है, काफी साल पहले। तो आप, कई लोगों को पता नहीं होगा, नए नए जो बंदे जाएंगे होटल में, तो उनको बता दूं कोई जगह पे फिंगरप्रिंट का भी ऑफिस ऑप्शन होता है, अगर वो आपके फिंगरप्रिंट लेंगे और आपके जो आईडी डॉक्यूमेंट जो है वो आपके फेक निकले, तो आपको रूम तो दे देंगे, हो सकता है फिर वो बाद में आपको खुद ही कॉल करके वहां पे पुलिस बुला ले, क्योंकि ये इलीगल है ये, तो ये ओयो के प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है, इस चीज का आप खास करके ध्यान रखें, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो मेरा निकल के आता है वो ये है कि अगर मान लीजिए आप 3 स्टार से ऊपर के भी, 3 बेस के ऊपर के स्टार के भी होटल बुक कर लेते हैं, और आप जो है 4 पॉइंट से होटल रेटिंग जो है उससे भी ऊपर के आप होटल बुक कर लेते हैं, और पैसे भी आप एक्स्ट्रा दे देते हैं, ठीक है, 200 300 400 सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन अगर वहां पे भी पुलिस आ जाती है तो, ठीक है, पहली बात तो गाइज आप अपने दिमाग से बिल्कुल ये चीज निकाल दीजिए। अगर आप एक अच्छा होटल बुक करेंगे इस तरीके से, तो वहां पे पुलिस आने के बिल्कुल भी कोई चांस नहीं होते, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पुलिस आती है तो वो सिर्फ रिसेप्शन पे ही आती है, सिर्फ पूछताछ करने के लिए, उसके बाद में भी वो वहीं से वापसी हो जाती है, वो आपके रूम तक नहीं आती, ठीक है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, 100% ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में 1% भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या पुलिस अगर हमारे गेट तक आ जाए तो उसमें भी क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। आपके गेट तक अगर पुलिस आ जाए तो आपको गेट नोक नोक जैसे होगा तो आप गेट खोलिएगा, पुलिस वाले आपसे कुछ नहीं करेंगे, वो आपसे सिर्फ पूछेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। आपको अपने डॉक्यूमेंट जो आपने वहां पे नीचे रिसेप्शन में सबमिट किए हैं, वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे दिखाने हैं। और पहली बात, आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा पुलिस के आगे। अगर आप पैनिक होएंगे, अगर आप शकल पे आपके 12 बजे रहेंगे, तो वो सोचेंगे कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, फिर वो आपको छोड़ के नहीं जाने वाले, ठीक है। अगर आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो आपको ये समझदारी बिल्कुल दिखानी होगी कि आपको पुलिस वालों के सामने एकदम नॉर्मल बिहेव करना होगा, जैसे आप हर किसी के सामने करते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, ठीक है, चौंकना नहीं है बिल्कुल भी देख के। वो पुलिस वाले जो होते हैं वो यहीं से पकड़ लेते हैं कि ये बंदा कुछ गलत कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। और अगर मान लीजिए आपसे ऐसी गलती हो जाती है, तो आपसे अगर वो पूछता है कि आप यहाँ पे करने क्या आए हो, तो आप कुछ भी बोल सकते हो कि हम यहाँ पे किसी बिजनेस वगैरह से आए हुए थे या घूमने आए हुए, तो हमें स्टे करना, तो हम यहाँ पे 2-3 घंटे के लिए यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, ठीक है। आप इस तरीके से कहकर बात टाल सकते हो। और अगर नहीं मानते तो आपसे वो एज पूछेंगे, आपकी एज क्या है, डॉक्यूमेंट्स पे तो आपके दिखाई दोगे आप, लेकिन आप अपने कह भी देना एक बार कि हमारी एज 18+ है। और अगर आप चाहो तो हाई कोर्ट की जो है वेबसाइट है गूगल के ऊपर, आप जाके वहाँ पे सर्च करके उनको
ठीक है, वो सेक्शन दिखा सकते हो, जो सेक्शन है यहाँ पे आपको शो रहा होगा, आप इस सेक्शन के थ्रू उन पुलिस वालों को बता सकते हैं कि लीगली राइट हमारा है कि हमारी एज 18 प्लस है और हमें लीगली राइट है कि हम कहीं पे भी जाके स्टे कर सकते हैं, ठीक है। और पे आपको पुलिस वाले ये बात सुनते हैं वो आपसे अगर हम नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, और आप इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। कई कबार क्या होता है कि लड़का तो शांत होता है और जो लड़की होती है वो सोचते हैं, और कपल्स की कई बार ये सोच होती है कि अगर लड़की कुछ ज़्यादा चौड़ा होकर बोले कि किसी सामने वाले को, तो सामने वाले पर दबाव डल जाएगा। ऐसा नहीं होता, अगर पुलिस वाले जेंट्स हैं तो लेडीज पुलिस वाली भी होती हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं करके नहीं चलना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बहस तो आपको बिल्कुल भी करनी नहीं है, ठीक है, ना के बराबर। बस आपको अपनी ठंडे दिमाग और मीठी जुबान से वहां पे काम लेना है और आपका काम होने को हो जाएगा, ठीक है। लड़कियों की तो ये गलती है, आपको बिल्कुल ध्यान देना, आपको ये गलती नहीं करनी। लड़कों की जो गलती होती है वो ये निकल के आती है कि लड़के सोचते हैं कि भाई अब तो पुलिस आ गई, और ऐसे में अगर पुलिस वालों से थोड़ी सी बात जो बातचीत बिगड़ जाए तो पुलिस वाले बोलते हैं कि चलो आप अपने पेरेंट्स को फोन लगाइए, ठीक है। तो ऐसे केस में देखो पेरेंट्स को तो कोई भी कॉल नहीं लगाने वाला, तो लड़का क्या सोचता है चलो मैं 1500 या 2000 जो भी देके इनको मामला यहीं पे सुलटा दूं, पुलिस वालों को देके इनको यहां से रफा दफा करूं, क्योंकि हर किसी के माइंड में यही सोच रहती है कि पुलिस वाले पैसे देके मान जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन आप अगर उन्हें वहां पे लालच देंगे तो आप फंस सकते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल भी पैसों की बात तो कीजिएगा ही मत कि आप सर इतने ले लीजिए या इतने पेमेंट कर लीजिए, बात खत्म कीजिए, ठीक है। ऐसे में वो उन्हें साफ साफ यही आप खुद ही अपने इशारों शर्मों ने ये बता दोगे कि यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है, और वो आपको उठा के अरेस्ट कर लेंगे और आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें सिर्फ 1% पॉइंट था जो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप एक अच्छा होटल स्टे बुक करते हो, 3-स्टार बेड से ऊपर करते हो, 4 पॉइंट की रेटिंग से ऊपर करते हो, तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ मैंने आपको बताया है सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए, बाई चांस अगर ऐसा हो जाए तो, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को आप कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरीके हेल्पफुल और यूजफुल कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ। मैं मिलूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।